फाइव पार्ट इज पार्ट नंबर फाइव, इसी का पार्ट नंबर फाइव लिखते हैं। पार्ट नंबर फाइव में आपके पास क्या लिखा हुआ है, देयर इज 36, फिर उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है 3, फिर x पावर 4, फिर उसके बाद आपके पास लिखा है प्लस 5x पावर 3, फिर उसके बाद लिखा हुआ है माइनस 2x के। एक टर्म ये लिखी हुई है आपके पास और सेकंड टर्म आपके पास लिखी हुई है 54 और साथ लिखा हुआ है आपके पास x पावर 4 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन अगर आप ये देखें तो इसमें एक में 3 टर्म्स है, एक में 2 टर्म्स है, तो दोनों की फैक्टराइजेशन टेक्निक डिफरेंट होगी, जो मैं पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले मैं इस वाले पार्ट की फैक्टराइजेशन करता हूँ, यानी 36, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3, फिर माइनस 2x के। ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है, इसके आपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये नंबर आपके पास 36 है, तो हम पहले इस नंबर की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया है, तो इसके अगर आप डिवाइड करें 2 से तो 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1, तो इसके फैक्टर बन गया आपके पास 36 के 2.2.3.3, यानी ये वाले नंबर जो है, ये नंबर जो है, ये इसके फैक्टर्स हैं, मैंने लिख लिए। नेक्स्ट आपके पास ये पार्ट लिखा हुआ है 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 माइनस 2x के। तो मैं ये करता हूँ कि इस वाले पार्ट को कि मैंने भी फैक्टर बनाने हैं, तो मैं इस पार्ट को पिक करके उधर लिख लेता हूँ और वहां पे इसके फैक्टर लिखता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो है दिस वन, यानी जो क्या लिखा हुआ है आपके पास 3x पावर 4 प्लस 5x पावर 3 फिर माइनस 2x के, तो इसके मैंने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने का पहला स्टेप यही है, बेशक आपके पास 2 टर्म्स हो, बेशक 3 टर्म्स हो, पहला स्टेप यह है कि आप उसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, पहला स्टेप यही करते हैं आपने। तो अगर हम देखें इधर भी x है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसका मतलब कॉमन तो है। अब कितना कॉमन है वो पावर, मिनिमम पावर, इधर पावर 4 है, इधर पावर 3 है, इधर पावर 2 है, तो 2 पावर जो है वो मिनिमम पावर है, तो x पावर 2 कॉमन आएगा आपके पास। नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो x पावर 2 यहां पे क्या रह जाएगा 3, x पावर 2 ऑलरेडी कॉमन जा चुकी है, यहां पे x पावर 2 प्लस 5, यहां पे x पावर 1 रह जाएगी और फिर माइनस 2, x पावर 2 कॉमन ले चुके हैं, तो ये आपका खाली 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपने ये वाली टर्म देखी, अगर आप इसको तो ये आपके पास क्या लिखी हुई 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स के फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग द मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसके भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, आपके पास क्या बन गया 3x स्क्वायर वैसे रहेगा और लास्ट टर्म आपके पास वैसी रहेगी और मिडल वाली टर्म के दो हिस्से आपने करने हैं। कैसे करने हैं वो मैं कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही आ रहा है। तो जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको पिक करें, मैंने इसको पिक किया और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, एक्स स्क्वायर इधर कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर, और यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, तो माइनस 6x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो कांस्टेंट नंबर है ये पिक करें और इसके मिड टर्म सॉरी फैक्टर बनाएं, तो इसके हम फैक्टर बनाएं, तो ये आपके पास ये बनते हैं, तो यहां पे क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने इसको कैसे, ये 3 नंबर है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लें, दो दो पेयरिंग कर लें। आप इसको कैसे करेंगे, एक ये ऐसे करने के 5 बन जाए आपके, अगर मैं ये और ये लिख दूं तो क्या बनता है 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करें 3 बन गया। अब अगर आप 3 में प्लस 2 करें तो 5 बनता है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है क्या ये 5 यहां पे बनने के बाद मेरा रिजल्ट ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि 3 प्लस 2 करें 5, तो मैं यहां पे अगर लिखूं भाई तब आपने पहले लिखी है, यहां पे कितना आ गया 3, यहां पे 2 है तो यहां पे हमने 2 लिख लिया, यहां पे जो वेरिएबल है वो आपने कॉपी करना है, ये वेरिएबल मैंने यहां पे लिख दिया, फिर यहां पे कितना है प्लस, ये साइन जो भी होता है यहां पे लिखते हैं, और यहां पे आप क्या लिखेंगे ये डिसाइड करेंगे। अगर आप यहां पे ये देखिए गौर से देखिए, यहां पे अगर आप प्लस लिखते हैं तो ये कितना बनेगा 3 प्लस 3x प्लस 2x, तो ये कितना बन गया 5x, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई है 3x प्लस 2x, तो ये कितना बनता है 5x और प्लस का बनता है। लेकिन दूसरी बात भी आपने चेक करनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट बनना था वो बनना चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस 3x को
मल्टीप्लाई करो प्लस टू एक्स के साथ तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है, थ्री टू से मल्टीप्लाई होगा सिक्स, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस वो तो प्लस का आ जाएगा। जबकि ये रिजल्ट जो बना था यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रिजल्ट जो बना था ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बना था, ये रिजल्ट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये मेरी पेयरिंग एक कंडीशन तो ठीक है प्लस दोनों को करूं तो ये फाइव एक्स बन रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो मल्टीप्लीकेशन है वो बननी चाहिए। इसका मतलब ये मेरी पेयरिंग गलत है तो मैं इसको रेज कर देता हूं। तो ये भी बेहतरीन तरीका है, आपने देखें दोनों चीजों को वेरीफाई करके ही आप तसल्ली ये किया करें कि ये मिड टर्म आपके ठीक हुए कि नहीं हुए। तो इसका मतलब ये मेरी जो पेयरिंग मैंने यहाँ पे की थी ये ठीक नहीं है, टू और थ्री की पेयरिंग नहीं चल सकती। फिर कौन सी पेयरिंग करूं, दोबारा लिखता हूं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई वन। तो अगर मैं ऐसे पेयरिंग कर लू थ्री टू द सिक्स और वन, तो सिक्स में से माइनस वन करें तो फाइव बनता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे सिक्स लिखता हूँ और यहाँ पे वन लिखता हूँ, बड़ी टर्म आपने पहले लिखनी है। यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे क्या साइन है प्लस तो प्लस, यहाँ पे क्या लिखिए प्लस सिक्स एक्स तो यहाँ पे माइनस वन एक्स लिखिए, सिक्स में से वन को माइनस करेंगे तो फाइव बनेगा। ये वाली कंडीशन तो ठीक होगी, क्या दूसरी कंडीशन ट्रू हो रही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स बनना चाहिए, तो हम चेक कर लेते हैं। यानी सिक्स एक्स मल्टीप्लाई में माइनस वन एक्स, तो सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करें सिक्स, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स और प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर, इसके मतलब अब मेरी ये पेयरिंग ठीक है। तो ये आप देख लें कि जब भी आप मिड टर्म कर रहे हो तो दोनों कंडीशन को चेक कर लिया करें। अब आप देखें एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपके पास थ्री, अब आपने इनमें से कॉमन लेना है तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास थ्री एक्स कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं नंबर ऑफ टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इस पेयरिंग में से माइनस वन कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस टू आ गया। दोबारा आपके पास कॉमन आना जरूरी है, ये देखिए एक्स प्लस टू कॉमन आ रहा है तो ये आपके पास ये एक्स स्क्वायर की भी आप जो है इसके भी फैक्टर बना सकते हैं, मैं नेक्स्ट लाइन में बना दूंगा। यहाँ पे आपके पास कितना आ गया एक्स प्लस टू, दोनों में कॉमन था वो ले लिया तो बाकी कितना रह गया यहाँ पे थ्री एक्स माइनस वन, यानी ये बाहर चला गया यहाँ पे थ्री एक्स और यहाँ से ये बाहर जा चुका था तो माइनस वन। आप चाहे तो इस एक्स स्क्वायर की भी पेयरिंग बना सकते हैं एक्स इंटू एक्स, यानी इसके भी फैक्टर बना लें डॉट एक्स प्लस टू और फिर डॉट थ्री एक्स माइनस वन। तो ये इस पार्ट की आपके फैक्टर बन गए टू डॉट टू डॉट थ्री डॉट थ्री और फिर क्या है एक्स डॉट एक्स फिर डॉट एक्स प्लस टू फिर डॉट थ्री एक्स माइनस वन डॉट मीन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ये सेकंड पार्ट के भी मैंने इसके फैक्टर बना लिए हैं, मैं इस पार्ट को रेज करता हूं, सॉरी फर्स्ट पार्ट के मैंने फैक्टर बनाए हैं मैं इधर को रेज कर रहा हूं और इसके सामने इसके फैक्टर लिख देता हूं। ये जो टर्म है इसके सामने इसके फैक्टर लिखता हूं, वो क्या है टू डॉट टू टू डॉट टू डॉट फिर थ्री फिर डॉट थ्री फिर डॉट दो दफा एक्स है टू टाइम एक्स मैंने एक्स एक्स लिख दिया और फिर एक्स प्लस टू आपके पास डॉट डाले और फिर डॉट थ्री एक्स माइनस वन, ये इसके फैक्टर्स हैं पहले वाले पार्ट के। वेरी गुड, हमने एक पार्ट कर लिया है यानी एक पार्ट के फैक्टर बना लिए हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या लिखी हुई है तो ये नेक्स्ट पार्ट के हम फैक्टर करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये मिस्टेक होगी, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके पास साथ 27 भी लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये 27 एक्स पावर 4 माइनस एक्स लिखा हुआ। अब हम इस पार्ट के जब हमने फैक्टर बनाए 54 27 एक्स पावर 4 माइनस एक्स, तो सबसे पहले हम ये 54 है इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ये 54 तो इसके फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, 2 से डिवाइड करें देयर इज 27 फिर 3 से डिवाइड किया 9 फिर 3 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया देयर इज 1। तो ये फैक्टर बन गए 54 के 2 और 3 टाइम्स 3 लिखा हुआ है यानी 2 डॉट 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट नेक्स्ट आपके पास ये लिखा हुआ है 27 एक्स पावर 4 माइनस एक्स। मैं ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसके मैं अलग से फैक्टर जो है इधर लिखता हूं और फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है
देयर इज 27 एक्स पावर 4 माइनस एक्स। अब आप इसके फैक्टर बनाएं, तो फैक्टर बेशक आपके पास टू टर्म्स हो या थ्री टर्म्स हो, पहला स्टेप ये कॉमन चेक कर लें। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे x लिखा हुआ है, यहां पे भी x है, और x की पावर कितनी है 1, तो मिनिमम आपके पास x पावर 1 कॉमन है, तो वो आप कॉमन ले लें। तो x पावर 1 कॉमन आ गई है, यहां पे कितना रह गया 27 x पावर 3 माइनस, यहां पे x पावर 1 कॉमन जा चुकी है, जब कुछ कॉमन नहीं कुछ बचता नहीं है तो उसकी जगह पे हम 1 लिखते हैं। ये मैंने 1 लिख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसके फैक्टर बनाने हैं, और ये कितनी टर्म्स हैं, देयर आर द टू टर्म्स। अगर आपने मेरी वीडियो 6.1 में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके पार्ट 1 और 2 नहीं देखे वो देख लें वीडियो, उसके अंदर मैंने टू टर्म्स और थ्री टर्म्स के फैक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बट फिर भी मैं यहां पर दोबारा रिपीट करता हूं कि वो वैल्यूज मैंने क्या लिखी थी, सब टर्म्स को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। टू टर्म्स की फैक्टराइजेशन की टेक्निक क्या है, फैक्टराइजेशन टेक्निक क्या है आपके पास, देयर इज टेक्निक क्या चीज है आपके पास। तो अगर आप ये देखें उसमें मैंने मेंशन किया था कि अगर आपके पास a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, फिर आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर हो, फिर आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, फिर आपके पास a पावर 3 माइनस b पावर 3 हो, a पावर 3 प्लस b पावर 3 हो, और फिर a पावर 4 प्लस b पावर 4 हो। आपके पास बुक के अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं टू टर्म्स की, जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है होती है। इनमें क्या फर्क है, इधर भी a b, इधर भी a b, इधर भी a b, a b, a b, सिर्फ पावर का फर्क है। इधर पावर अगर आपके पास कितनी दी हुई है, a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 3 b की पावर 3, a की पावर 3 b की पावर 3, a की पावर 4 b की पावर 4। तो जैसे जैसे पावर चेंज हो रही है फैक्टराइजेशन की टेक्निक भी चेंज हो रही है। आमतौर पे हम इस तरह की टर्म्स की फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, और इसकी भी हो सकती है, राइट। नो मैं सबको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, जो मैंने क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टर्म को डिस्कस करते हैं। इसमें अगर आपके पास टू टर्म्स हैं तो इसमें यहां से हमें लग रहा है कि पावर थ्री वाली तरफ जाना है, तो पावर थ्री के ये दो केस हैं, और इस पावर थ्री में भी अगर हम देखें तो इसमें माइनस है, तो ये वाला केस के हमने अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन होगी कैसे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहला ये केस है कि हर टर्म के ऊपर होल पावर थ्री बननी चाहिए। यहां पर अगर हम देखें इधर तो इसके साथ पावर है लेकिन इसके साथ पावर थ्री नहीं है, और इसके साथ भी पावर थ्री नहीं है, तो हमें दोनों के साथ पावर थ्री बनानी है, फिर हम इसकी तरह की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहला काम यह है कि हमें इनमें पावर थ्री करनी है, तो इसका मतलब है 27 को आप पहले इसके फैक्टर बना के इसको पावर थ्री में कन्वर्ट करें। तो अगर आप 27 को देखें तो 27 के फैक्टर अगर आप बनाए 3 फिर 3 फिर 3 1, तो इसका मतलब 3 × 3 × 3 1 बेशक ना लिखें, तो ये 3 टाइम लिखा हुआ है, इसको मैं 3 की पावर 3 भी कर सकता हूं, ये भी 27 है, ये भी 27, तो इसका मतलब मैंने इसकी जगह पे 27 की जगह पे 3 पावर 3 कर दिया, और x की पावर 3 माइनस 1 जो है वो एक ऐसा नंबर जिसकी जितनी मर्जी पावर लिख ले वो वही रिजल्ट देता है। तो मुझे 1 की पावर कितनी करनी है, इस केस में 3 करनी है, मैं 1 की पावर 3 कर देता हूं। 1 पावर 3 करने से भी 1 ही बनता है, 3 टाइम लिखिए 1 1 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 ही बनता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सब पावर दोनों की सेम है, तो इसको 1 के साथ कर दें, ऐसे करके लिख दें, यहां से भी पावर 3 हो गया आपके पास, पावर 3 हो गया और ये लिख दिया। अब आपके पास बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब ये मैच क्या है इसके साथ, a पावर 3 और b पावर 3, a पावर 3 b पावर 3। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो तो वहां पे हमने ये फार्मूला पढ़ा था a पावर 3 माइनस b पावर 3 का, क्या फार्मूला था, a माइनस b a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला पढ़ा था। तो आपने इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करना है, मैं इसको यहां से अब रेस कर रहा हूं इस वाले को,
और ये पार्ट यहां से कैरी कर रहा हूं, ये पार्ट जो है मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखा हुआ मेरे पास, x ब्रैकेट के अंदर 3x पावर होल पावर 3 और -1 पावर 3। अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना चाहूं तो सिर्फ फर्क यह है कि ये वाली टर्म में एक ही जगह पे इधर क्या लिखा हुआ है मेरे पास 3x, एक ही जगह पे क्या लिखा हुआ है 3x, और b की जगह पे मेरे पास क्या लिखा है 1। तो मैं जब ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा तो मैंने एक जगह पे क्या लिखना है 3x, तो मैं लिखूंगा ये पीछे x, फिर ब्रैकेट एक ही जगह पे कितना आ गया 3x, फिर उसके बाद माइनस बी, बी की जगह पे मेरे पास 1, फिर a का स्केयर, एक जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3x होल पावर 2, फिर प्लस ए बी की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 3x इंटू 1, और फिर प्लस b का स्केयर, b मेरे पास क्या लिखा हुआ है 1 उसका स्केयर। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, यहां पे x, यहां पे 3x माइनस 1, ये जो 3 ये दोनों के साथ चला जाएगा पावर 2, यानी 3 पावर 2 और x पावर 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3x आता है, और 1 की पावर 2 ले तो 1 ही बनेगा। इसको हम लास्ट टाइम लाइन लिखते हैं और इसके फैक्टर्स कंप्लीट करते हैं। देर इज 3x माइनस 1, देर इज 3 पावर 2 का मतलब ये 9 हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये आपके पास ये जो पार्ट लिखा हुआ है इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। मैं ये फालतू चीजें यहां से रेस करके इसके फैक्टर यहां पे लिखता हूं और बाकी फिर मैं फाइनल करते हैं कि एचसीएफ इसका क्या बनता है। अगर आप इसको देखें तो ये इसके फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं, डॉट एक्स डॉट 3x माइनस 1 डॉट 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये सारे फैक्टर बन गए इसके, हम इसके सामने लिख देते हैं ये जो टर्म्स है, ये मैं फालतू टर्म्स जो है वो रेस कर रहा हूं, और इसके सामने मैं इसके फैक्टर लिखता हूं, दिस वन, ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। तो फैक्टर मेरे पास क्या बने, 2 फिर 3 फिर 3, 3 टाइम 3 है, फिर 3 फिर x फिर उसके बाद डॉट, फिर कितना लिखा हुआ है 3x माइनस 1, फिर उसके बाद डॉट, फिर आपने लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, फिर प्लस 3x फिर 1, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने मतलब कॉमन फैक्टर लेंगे, तो एचसीएफ आपने फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर लें। यहां पे आपके पास 2 कॉमन है, ये वाला 3 इसके साथ कॉमन हो गया, ये वाला 3 इसके साथ कॉमन हो गया, ये x जो है वो इसके साथ कॉमन आ गया, और ये वाला जो 3x माइनस 1 है वो इसके साथ कॉमन आ गया। तो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ गया, दिस 2, ये पार्ट था 2, ये 3, फिर ये वाला भी 3, फिर x कॉमन आया है, और फिर मेरे पास 3x माइनस 1 कॉमन आया है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, इन ये नंबर जो है ये तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं मेरे पास, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये जो है मल्टीप्लाई होंगे 3 3 9 और 2 18, ये आपके पास x, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, थैंक यू सो मच।